हेलो एवरीवन, मैं हूं निक्की और एक बार फिर स्वागत है आपका निक्कीज किचन में। तो आज हम बनाएंगे बीटरूट चटनी। आप इसे इडली, डोसा, राइस या चपाती के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ग्रेटेड बीटरूट ले लिया। आप चाहे तो इसे स्मॉल पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून चना दाल, 1 टेबल स्पून उड़द दाल, 2 रेड चिलीज, स्मॉल पीस ऑफ जिंजर, स्मॉल पीस ऑफ टैमरिन, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और यहाँ पे मैंने 2/3 कप कोकोनट ले लिया है और जिसे स्मॉल पीसेस में मैंने कट कर लिया है। और 3 टेबल स्पून ऑयल। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, उसमें ऑयल आ गया, ऑयल गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें चना दाल डाल देंगे, उड़द दाल और रेड चिली, और इसे 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं और अब हम इसमें ये जिंजर भी डाल देंगे और ये बीटरूट, और इसे 10 मिनट्स के लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं और बीटरूट अच्छे से पक चुका है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और तब तक हम नारियल को भी ग्राइंड कर रहे हैं। उसके बाद ये ठंडा होने के बाद इसे भी ग्राइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल को ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें ये टैमरिंड और ये सॉल्ट भी इसमें डाल देंगे। और हमारा बीटरूट भी ठंडा हो चुका है और अब हम इसे भी डाल देंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। और अब हम तड़के के लिए लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स, 7 to 8 करी लीव्स। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। अब हम इसमें करी लीव्स भी डाल देंगे, इसमें तड़के को डाल देंगे।